Good morning, students. I'm Dr. Hema Hussain and I'm going to take your class of BSc Part 2 Zoology, Paper 2nd. हम करेंगे. अभी तक हमने उत्सर्जन की क्लासेस में पढ़ा किडनी और यूरिनरी ट्यूब्स के बारे में और यूरिन का बनना हमने देखा. आज हम क्लास लेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन की, जिसमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रीनल फंक्शन में जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको रीनल प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको रास के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है. अब अगर हम किडनी को देखें तो किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करती है, जो कई हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जो अन्य ऑर्गन्स, टिश्यूज और कई सब्सटेंस को भी अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है. मैमल्स में किडनी बीपी को मॉनिटर करती है और अगर बीपी कम हो रहा होता है तो सही एक्शन को इनिशिएट करने के लिए काम करती है. नाउ अगर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बीपी और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए एक एसेंशियल सिस्टम है. ये जो सिस्टम है ये मेनली तीन हॉर्मोन्स के द्वारा होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन. प्राइमरीली ये रीनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है. अब आते हैं हम रेनिन रिलीज पे. हमने कहा तीन हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं. रेनिन इस पूरी प्रक्रिया की पहली स्टेज में रेनिन नामक एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो जेक्स्ट्रा ग्रोमेलुलर एपरेटस के ग्रैन्युलर सेल्स के द्वारा कुछ स्टिमुलाय के रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है. और ये स्टिमुलाय हैं डिस्टल टिब्यूल में, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में सोडियम की मात्रा का कम होना और दूसरा आर्टीरियल वॉल्यूम का कम होना. तो जब भी हमारी बॉडी में लो बीपी होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले बैरोसेप्टर्स उस चेंज को भाप लेते हैं या सेंस कर लेते हैं. अब इस पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह से समझें, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट हो रहे हैं और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो लोकेटेड होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के एडजेसेंट, ये रेनिन को मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है. दिस रेनिन इज देन सिक्रीटेड इन ब्लड वाया रीनल वेन. रीनल वेन के द्वारा ये ब्लड में रेनिन सिक्रीट होता है. ये जो रेनिन है ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अल्फा टू ग्लोबुलिन का एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है. ये जो अल्फा टू ग्लोबुलिन एंजियोटेंसिनोजन है ये नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और लिवर के द्वारा, लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है. नाउ ये जो एंजियोटेंसिनोजन बना, जिसको हम अल्फा टू ग्लोबुलिन कह रहे हैं एंजियोटेंसिनोजन, इससे रेनिन स्प्लिट ऑफ करता है पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को और एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है. ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये स्लाइटली एक्टिव होता है और ये डेकापेप्टाइड होता है, यानी कि इसके अंदर 10 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं. अब क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये तो स्लाइटली एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 था, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एंजियोटेंसिन 1, और ये डेकापेप्टाइड है और एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव ऑक्टापेप्टाइड होता है. ऑक्टापेप्टाइड मीन्स उसमें 8 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो इसके बीच में जब ये कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में, तो एक और एंजाइम एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ लंग्स से सिक्रीट होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करता है और इसके 2 अमीनो एसिड्स को स्प्लिट ऑफ कर देता है. ये जो 2 अमीनो एसिड्स हैं इनका नाम है ल्यूसिन और हिस्टिडिन. इनके स्प्लिट ऑफ होने से ये ऑक्टापेप्टाइड बन जाता है, यानी कि डेकापेप्टाइड से ऑक्टापेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, या हम यूँ कहें कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसकी प्रेशर एक्टिविटी भी नॉर एपिनेफ्रिन से 200 टाइम्स अधिक होती है. अब इस एंजियोटेंसिन 2 के 2 फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन है ये हार्ट बीट
के फोर्स को इंक्रीज करता है, और जब ये उसको इंक्रीज करता है तो आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि उसको कस देता है, और इससे क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जब हार्ट बीट पे फोर्स बढ़ेगा और आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो ऑल्सो इट ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसको हम मायोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। सेकेंडली, जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स तक पहुंचता है तो वो उनको स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करें। जब ये एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है बाय कॉजिंग रिटेंशन ऑफ सोडियम, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और वाटर किडनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से बीपी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही बीपी इंक्रीज होता है रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि रेनिन का प्रोडक्शन तभी होता है जब बीपी कम होता है। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया होती है, जिसको अभी हम अगली स्लाइड में चित्र के द्वारा समझेंगे। ऐसे ही वैसोप्रेसिन, जिसको हम पिट्रोसिन कहते हैं या ADH कहते हैं, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है, जो कि पानी की परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। इट्स एक्टिव सिक्रीशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ स्कैंटी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इसका ज़्यादा सिक्रीशन स्कैंटी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का को प्रवाहित करता है। फिर आता है एक और हार्मोन, जिसको हम पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन PTH कहते हैं। ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो अब हम इसको ग्राफिकली समझे तो सिंपल सा, एंजियोटेंसिनोजन, फिर रेनिन ने एक्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 बना, फिर कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा, जिसको हमने पेप्टाइडेज नाम दिया था, उसके द्वारा ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये डेकापेप्टाइड था, ये ऑक्टोपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 है। फिर स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन से पानी और सोडियम की रिटेंशन बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रीलोड इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही वेस्क्यूलर स्मूथ मसल के कंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज्ड आफ्टरलोड हो जाता है। अब इसको और क्लियरली हम समझें तो ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल दिखाई दे रही है हमें। इस ब्लड वेसल के अंदर अब बाहर लिवर से एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रीशन हुआ, जो कि हमने कहा अल्फा 2 ग्लोबुलिन है। ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन, इसके ऊपर फिर रेनिन काम करता है। ये रेनिन कहाँ से आया, किडनी के कॉर्टेक्स एरिया से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, GGA से। यहाँ से ये रीनल वेन के द्वारा रेनिन का सिक्रीशन हुआ। ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1 पे काम किया, और जब रेनिन का सिक्रीशन हुआ तो ये एंजियोटेंसिन 1 डेकापेप्टाइड जो था, जिसको हमने कहा था कि स्लाइटली एक्टिव है, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 1 पे लंग्स के द्वारा, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ लंग्स के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, जिसको हम पेप्टाइडेज कहते हैं। इसके सिक्रीशन के द्वारा ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, जिसमें से 2 अमीनो एसिड्स निकल गए, और ये डेकापेप्टाइड ऑक्टोपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो 2 अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसिन और हिस्टिडिन, ये इससे सेपरेट हो गए। अब ये आर्टेरियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और यहाँ पे ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा दिया। जैसे ही वाटर का रिटेंशन बढ़ा, या सोडियम का और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी हाई होने से रेनिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अ समरी काइंड ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम को हम स्टेप वाइज वापस एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज एल्डोस्टेरोन इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड लेवल्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड। सबसे पहले डिहाइड्रेशन हुआ, सोडियम की डिफिशियंसी हुई या हेमरेज हुआ, उससे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया।
ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो गया। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनी के थे वहाँ से रेनिन का सिक्रीशन हुआ। इस रेनिन ने लिवर से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन पे काम किया और इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन वन में। ये एंजियोटेंसिन वन लंग्स के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के द्वारा, जिसको हमने कहा था पेप्टाइडेज, इसके द्वारा इंक्रीज्ड एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो गया। सो एंजियोटेंसिन वन डेकापेप्टाइड पेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टापेप्टाइड, दैट इज एंजियोटेंसिन टू। नाउ दिस एंजियोटेंसिन टू देन गोज टू जोना ग्रेन्युलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इंक्रीजेस पोटेशियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। And after this, this is also working on adrenal cortex. And here we can see adrenal cortex ke badhne se aldosterone ka secretion bad gaya. Aur wo kidneys increased sodium water reabsorption hoga. Aur increased secretion of potassium aur hydrogen ions honge urine ke andar. Jaise hi potassium aur hydrogen ions urine mein bad jayenge, to yahan pe sodium aur pani ka reabsorption jab bad jayega, तो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम होगा और ये इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अंटिल इट रिटर्न्स टू नॉर्मल एंड देन वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स आल्सो हेल्पिंग दिस ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स वी हैव सीन इन दिस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। नाउ कम्स वाटर बैलेंस। अब पानी का इनटेक हम दो तरह से करते हैं। ज़्यादातर हमारी बॉडी में जब हम पानी लेते हैं तो वो ओरली लेते हैं, मुख से लेते हैं, या तो प्लेन वाटर की तरह लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ बेवरेजेस के रूप में लेते हैं, या फिर हम कोई भी फूड सब्सटेंस खाते हैं तो उसके साथ हम पानी ले लेते हैं। नाउ अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, यानी फूड स्टफ्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी मेटाबॉलिक वाटर जो बनता है वो पानी भी वाटर इनटेक है। सो हम या तो ओरली वाटर इनटेक करते हैं या फूड स्टफ के ऑक्सीडेशन से जो मेटाबॉलिक वाटर निकलता है वो भी इनटेक करते हैं। सो दिस इज हाउ वी इनटेक द वाटर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वाटर लॉस, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इन फोर वेज। चार तरह से पानी हमारी शरीर से बाहर निकलता है। एज सेंसिबल एंड इनसेंसिबल परस्पिरेशन फ्रॉम द स्किन, पसीना आता है हमारी त्वचा से। एज वाटर वेपर इन द एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम लंग्स, हम वाष्पित एयर बाहर निकालते हैं लंग्स से। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फीकस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जब हम स्टूल बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट पानी का जाता है और किडनी से यूरिन का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से ये वाटर लॉस होता है चार तरह से। अब रेगुलेशन ऑफ वाटर देखें तो पिट्यूटरी एडीएच जो होती है, इट दिस रेगुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सच थिंग्स, इसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो वो जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और दूसरी स्थिति वो होगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही वो हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है उससे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब स्टिमुलेट हो जाता है, उससे ओडीएच एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और इसकी वजह से स्कैंटी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रवाहित होता है और रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि दूसरा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरी स्थिति को देखें जहाँ पे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद
पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लैब को इनहिबिट करते हैं, ADH का सिक्रीशन कम हो जाता है और डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में पानी की परमेबिलिटी को कम कर देता है। तो जैसे ही ये पानी की परमेबिलिटी को कम कर देगा तो ऑब्वियसली पानी कम एब्जॉर्ब होगा, और पानी कम एब्जॉर्ब होगा तो उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, यानी पानी उत्सर्जित ज़्यादा होगा क्योंकि वो अवशोषित ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से दो कंडीशंस होंगी, डाइल्यूट यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें हमने आज सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिए। थैंक यू।